उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, वरिष्ठतम नेताओं में शुमार मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले काफी समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। कुश्ती के अखाड़े से शिक्षक की नौकरी तक, इसके बाद राजनीतिक जीवन में मुलायम सिंह यादव ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार देश के रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाला। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि हर दौर में कैसे मुलायम सिंह यादव का जलवा बरकरार रहा, क्या है उनका चरखा दांव जो काफी मशहूर रहा। मुलायम जी समर्थकों के लिए हमेशा नेताजी रहे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह तक के साथ काम करने वाले मुलायम सिंह यादव ने यूपी की सियासी जमीन को समाजवाद के लिए उर्वर बनाया था। जवानी के दिनों में अखाड़े में पहलवानी करने वाले मुलायम सिंह यादव सियासत में भी अपना चरखा दांव चलाने के लिए मशहूर थे। 3 बार यूपी के सीएम रहे मुलायम सिंह यादव के सियासी जीवन में उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन वो अपने समर्थकों के लिए हमेशा नेताजी बने रहे। अपने नाम के ही अनुरूप मुलायम सिंह यादव हमेशा अपने समर्थकों और विरोधियों के प्रति भी मुलायम बने रहे। यही वजह है कि कट्टर प्रतिद्वंदी कही जाने वाली भाजपा हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, सभी से मुलायम सिंह यादव के अच्छे रिश्ते बने रहे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अच्छी बॉन्डिंग रही थी और उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय को याद भी किया है जब मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले संसद के आखिरी सत्र में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को यह आशीर्वाद दिया था कि वो एक बार फिर पीएम बनेंगे। 22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव करीब 5 दशकों तक यूपी के शीर्ष नेताओं में से एक बने रहे। मुलायम सिंह यादव 10 बार विधायक चुने गए, 7 बार सांसद रहे। वो 1996 से 1998 के दौरान देश के रक्षा मंत्री रहे थे और 3 बार यूपी के सीएम भी बने। मुलायम सिंह यादव ने 1989-91, 1993-95 और 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। यही नहीं, एक दौर में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बने थे। दशकों तक वो राष्ट्रीय नेता रहे, लेकिन उनकी सियासत का मुख्य अखाड़ा उत्तर प्रदेश था। किशोरावस्था से ही राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे। भले ही 2017 में वो समाजवादी पार्टी में बैक सीट पर गए और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ही सपा कार्यकर्ताओं के लिए नेताजी बने रहे। मुलायम सिंह यादव को राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनाए रखने के लिए जाना जाता था। कई दलों के विलय और विघटन से उपजे मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह के साथ भी काम करने का अनुभव था। धरती पुत्र कहलाने वाले मुलायम सिंह यादव की किसानों, मजदूरों और पिछड़ों में अच्छी पैठ थी। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव 1967 में विधायक बने थे। शुरुआती दौर में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में रहे और फिर चौधरी चरण सिंह की भारतीय क्रांति दल के साथ भी रहे। यही नहीं, इसके बाद भारतीय लोकदल में रहे और फिर समाजवादी जनता पार्टी का हिस्सा रहे। अंत में 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। एचडी देवेगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के ही दौर में सुखोई फाइटर जेट के लिए रूस से डील फाइनल हुई थी। यही नहीं, सीमा पर चीन और पाकिस्तान को जवाब देने में उनका रुख आक्रामक रहा था। शुरुआत में जितने भी दांवपेच हैं उन्हें नेताजी ने अखाड़े में सीखा था। वो पहलवान मुलायम के नाम से मशहूर थे, लेकिन पहलवान मुलायम, फिर धरती पुत्र और फिर नेताजी के नाम से मशहूर हुए। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर बताता है कि किस तरीके से उन्होंने जीवन की बारीकियों को समझा। उन्होंने भारत के ग्रामीण परिवेश और जीवन को बहुत नज़दीक से जिया है और यही वजह है कि वो किसानों या जमीन से जुड़े लोगों के मुद्दों को बखूबी जानते थे, जमीनी राजनीति को जानते थे, वो आम लोगों की नब्ज को जानते थे और इसीलिए नेताजी को राजनीति में इतनी कामयाबी मिली। उनके सिद्धांतों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। उत्तर प्रदेश की सियासत में तो समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत स्थापित की ही, साथ ही साथ में एक समय वो भी रहा था कि केंद्र की राजनीति में भी समाजवादी पार्टी उनके नेतृत्व में पहुंची। वो खुद रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर विराजमान हुए थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का केंद्र की राजनीति में भी क्या कद था। यही बात नहीं है, प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी कई बार उनका नाम रेस में आगे रहा, लेकिन वो
प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बहरहाल ये मुलायम सिंह यादव का ही कद और उन्हीं का व्यक्तित्व है कि उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते थे। मुलायम सिंह यादव सबको साधने के लिए जाने जाते थे और चाहे अखाड़े में खेले गए उनके दांव हो या राजनीति के अखाड़े में खेले गए हुए दांव हो, ये सब बेजोड़ दांव थे और इन दांवों की वजह से नेताजी सचमुच में धरती पुत्र बन पाए और नेताजी हमेशा हमेशा लोगों के जहन में अमर रहेंगे। उनकी राजनीति की एक बड़ी विरासत है। आपको क्या लगता है, क्या राजनीति की इस विरासत को, समाजवाद की इस विरासत को अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के जो अब वर्तमान नेता हैं वो आगे ले जा पाएंगे? आप अपना कमेंट जरूर करें और बताएं कि क्या मुलायम सिंह यादव जी की विरासत अब समाजवादी पार्टी के तौर पर आगे बढ़ पाएगी। उनका चेहरा निर्विवाद रूप से आज भी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा था या समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा था। यही वजह है कि 2022 में अस्वस्थ होने के बावजूद वो आपको कई मंचों पर दिखाई दिए अपने बेटे अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए। अखिलेश यादव की ताकत भी देखने को मिल रही थी, जमीन पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे थे सभाओं में। हालांकि वोटों के समीकरण कुछ ऐसे रहे, अलग अलग बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना हो या और बहुत सारे समीकरण हो, समाजवादी पार्टी को वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी 2022 के चुनाव में। और एक बार फिर 37 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने वो इतिहास दोहरा दिया जो कोई नहीं कर पाया था 37 सालों में, यानी वो दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि अखिलेश यादव को बहुत उम्मीदें थी। अखिलेश यादव ने भी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उठापटक देखी है। उनके पिता ने ही उन्हें ये विरासत सौंपी थी। उन्होंने पिता से राजनीति के दांव पेच सीखे हैं। हालांकि पिता और पुत्र में भी बीच में मतभेद हुए थे जब पार्टी में उनके कई निर्णयों को लेकर खुद मुलायम सिंह यादव खुश नहीं थे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की दूरियों से भी वो हमेशा परेशान रहे। तो ये जीवन के कुछ उतार चढ़ाव रहे, लेकिन इन सब के बीच में बैलेंस बनाते हुए मुलायम सिंह यादव हर दौर में निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत नेता के तौर पर बने रहे, अपने आप को बरकरार रखा, इसीलिए उन्हें नेताजी कहा जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।